आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम बहुत ही आसान तरीके से घर पे। मैंगो आइसक्रीम तो आपने कई बार बनाई भी होगी और खाई भी होगी, पर एक बार जरूर मेरे इस तरीके से बना के देखिए। आज इस आइसक्रीम को हम बिना क्रीम के और बिना मिल्क मेड के और बिना मिल्क पाउडर के बनाएंगे। जब हम आइसक्रीम बिना क्रीम के बनाते हैं तो उसमें आइस क्रिस्टल जम जाते हैं, तो इस आइसक्रीम को हम आज एक ट्रिक के साथ में बनाएंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस मैंगो आइसक्रीम को बनाना। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर फुल फैट 1 लीटर दूध लिया है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हो, या फुल फैट हो या फिर आपके पास पहले से उबला हो, कोई सा भी ले सकते हो। दूध को हम यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल के गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और इसको हम अच्छे से उबलने देंगे, इसमें एक उबाल आने देंगे। तब तक हमारे दूध में उबाल आता है हम यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप दूध उसमें से निकाल लिया है जो हमें ठंडाई यूज करना है। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, यहाँ पर हमें गर्म दूध का यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें ठंडाई दूध चाहिए। अब इसमें मिलाएंगे हम 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह आरारोट या कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हो। इसको अच्छी तरीके से मिला के साइड पे रख देंगे और यहाँ पर लेंगे हम 2 आम जिसे हमने अच्छे से धो लिए हैं। अब इसको हम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं काट के दिखाती हूँ आपको। और अभी तक आपने हमारे चैनल राधिका किराड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस तरीके से हम दोनों ही मैंगो काट के एक बाउल में रख लेंगे। देखिए मैंने दोनों मैंगो काट लिए हैं और अब लेंगे यहाँ पर एक मिक्सर जार और कटे हुए मैंगो को हम मिक्सर जार में डाल के इनका एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे हमें, यहाँ पर ना ही हमें दूध डालना है ना ही चीनी डालनी है। इसे ऐसे ही हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंगो को हमने अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी टुकड़ा नहीं है। और इसे साइड पे रखते हैं और दूध को चेक करते हैं। देखिए दूध में भी उबाल आने लग गया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। देखिए चीनी मेल्ट हो गई। अब इसमें मिलाएंगे जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा था, इसे एक बार चला लेंगे क्योंकि कस्टर्ड जल्दी से नीचे बैठ जाता है। अब इसे एक हाथ से चलाते जाएंगे और धीरे धीरे कस्टर्ड का घोल इसमें मिलाते जाएंगे। एक साथ नहीं मिलाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी और फिर उसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए हमने सारा कस्टर्ड मिला लिया है। अब इसे 3-4 मिनट उबाल लेंगे जिससे सारा कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए। देखिए इसे पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे जो हमने मैंगो को पीस के रखा था। जैसे हम मैंगो डालेंगे मैंगो सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ऐसा करने से हमारे आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आइसक्रीम के बेस का कलर थोड़ा सा हमें लाइट लग रहा है तो इस स्टेज पे हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अभी इसे 3-4 मिनट पका लेंगे। आइसक्रीम को बेस के पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार लेंगे और इसे बिल्कुल हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए कढ़ाई को हमने नीचे उतार लिया है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको स्पैचुला की सहायता से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो भी इसके ऊपर एक परत सी आई होगी वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सर का जार और सारे आइसक्रीम बेस को हम इसमें डाल देंगे। अब इस आइसक्रीम में हमने ना ही क्रीम का यूज किया है और ना ही मिल्क मेड का और ना ही मिल्क पाउडर का, तो हमारे आइसक्रीम को अच्छे से क्रीमी बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे दूध के मलाई का। जो हम दूध के गर्म करने के बाद में ऊपर मलाई आ जाती है, ये हमने फ्रेश मलाई ली है, आज की ताज़ा मलाई है। अब इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच मलाई। इससे हमारे आइसक्रीम में बहुत ही बढ़िया क्रीमिनेस आएगी। अब ढक्कन बंद करके इसे हम प्लस मोड पे चला के 3-4 मिनट अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए हमने आइसक्रीम के मिक्सर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने मिक्सर को प्लस मोड पे चलाया, फिर बंद किया, फिर चलाया, बंद किया, 3-4 मिनट इसे हमने इसी तरीके से ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी हमारे आइसक्रीम का बेस बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पर इस तरीके का डिब्बा लेंगे और यहाँ पर सारे बेस को हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास लंच बॉक्स हो तो वो भी ले सकते हैं या फिर कोई कांच का बर्तन हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसे ढक्कन लगा के हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे जिससे ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। इसे फ्रिज में रखे हुए 2 घंटा हो गया है और देखिए हमने इसे बाहर निकाल लिया है, काफ़ी ठंडा हो गया है और थोड़ा सा सेट भी हो गया है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब इसे स्पैचुला से हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे वापस ही हम मिक्सर जार में डाल के उसी प्रोसेस से इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने मिक्सर का जार लिया है, इसमें डाल देंगे। मिक्सर को हम चालू करेंगे,
फिर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, बंद करेंगे, 3-4 बार हम इसी तरीके से चला के इसे एक बार और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे हमारा आइसक्रीम का बेस एकदम फ्लफी सा बन के तैयार होगा और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। देखिए हमने इसे एक बार अच्छे से और ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना एक क्रीमी हो चुका है और इसका कलर भी पहले से थोड़ा लाइट हो चुका है। अब इसे वापस ही उसी कंटेनर में डाल के 2 घंटे के लिए वापस फ्रिज में रख देंगे, जिससे हमारे आइसक्रीम में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे और एकदम हमारी आइसक्रीम मार्केट जैसी बनके तैयार होगी, बिना कंडेंस मिल्क के और बिना क्रीम के। ये बहुत ही टेस्टी हमारी आइसक्रीम बनेगी। 2 घंटे बाद में इसे हमने वापस ही निकाल लिया है, आप देख सकते हैं आइसक्रीम वापस अच्छे से ठंडी हो चुकी है और ये काफ़ी सेट भी हो गई है। अब इसे हम लास्ट बार एक बार और वापस से मिक्स करके इसे मिक्सर जार में उसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप भी एक बार ज़रूर मैं इस तरीके से मैंगो आइसक्रीम बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी आपकी आइसक्रीम बनके तैयार होगी और बच्चों को बड़ों को सभी को ये बहुत पसंद आएगी। ये लीजिए आइसक्रीम के मिक्सर को हमने लास्ट बार और अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और फ्लफी हमारा आइसक्रीम बेस बनके तैयार हो गया है। अब इसे वापस ही उसी डिब्बे में डाल देंगे। ये देखिए हमने डिब्बे को साफ कर लिया है, अब सारा आइसक्रीम बेस हम इस डिब्बे में डाल देंगे और इसके स्पैचुला की सहायता से एक जैसा कर देंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसे ऊपर से हम सिल्वर फॉइल से कवर कर देंगे, जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल ना आए। मेरे पास सिल्वर फॉइल है तो मैं इससे कवर कर रही हूँ, अगर आपके पास क्लीन रैप हो तो आप उसी से भी कवर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसे सिल्वर फॉइल से कवर करके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। अब इसे हम ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे या 8 से 10 घंटे के लिए। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया था। मैंने अब आइसक्रीम के डिब्बे को बाहर निकाल लिया है और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हुई है। ये लीजिए बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हो गई है, मैं आपको निकाल के बताती हूँ, बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं आए हैं। देखिए बहुत ही कम खर्चे में बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम हमारी घर पे ही बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आए और एकदम सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनी है। देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, ऊपर से थोड़ी सी चेरी से इसे गार्निश कर लेंगे, एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम हमारी घर पे ही बनके तैयार हो गई है। आप भी एक बार जरूर मेरे इस तरीके से मैंगो आइसक्रीम घर पे ही बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल राधिका किराड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हुए एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।